स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हमारे साथ में हिमांशु मंगल। हिमांशु, बहुत बहुत बधाई पहले तो सेलेक्ट होने के लिए, और अब कितनी ज़्यादा लाइफ चेंज हुई है। पहले तो आप ये बताइए किस तरह से लाइफ, पहले प्रिपरेशन के टाइम पे क्योंकि मेहनत कड़ी मेहनत रहती है, अब कितनी लाइफ चेंज हो चुकी है, किस तरह का अब आपका स्केड्यूल रहता है, रूटीन क्या रहता है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कमिंग टू हाउ दी लाइफ चेंजेस, देखो ऐसा होता है ना कि इंसान तो हम सेम ही रहते हैं। मैं पहले भी हिमांशु था, अभी भी हिमांशु ही हूँ। पहले भी जैसे हार्डवर्क करता था, अभी भी वैसे ही करता हूँ। पहले जो मेरे कोर वैल्यूज थे वो अभी भी सेम है, बट एक चेंज आता है कि पहले यू डोंट हैव दैट वॉइस। अभी सिलेक्शन होने के बाद यू गेट अ वॉइस, पीपल लिसन टू यू, दे सी यू एज समवन जिसको फॉलो किया जा सके ना। जैसे हमारा जब हुआ उससे पहले बहुत सारे लोग थे जिनको हमने फॉलो किया ना, जिनसे हम इंस्पायर हुए। अभी ऐसे कुछ लोग होंगे जो हमको देख के शायद इंस्पायर हो जाए, तो वो एक चीज़ है जो चेंज हो जाती है। पीपल लुक अप टू यू कि यार तुमने इस पूरे प्रोसेस में, जैसे हमने जितना भी किया है, राइट, आई बीन इनटू दिस प्रिपरेशन फेज फॉर एटलीस्ट 2-3 ईयर्स, तो अभी मैंने जितनी भी एफर्ट्स की है, तो मेरे से आगे आने वाले जो एक्सपीरियंस है, आगे आने वाली जो जनरेशन है, अब ऐसा नहीं हो कि उनको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। दे शुड बी हैविंग फ्यू थिंग्स इन द प्लेट रेडी टू ईट, तो वो एक चीज़ है कि दे लुक अप टू अस एंड दैट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको वो चीज़ दी जाए। आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे किसको लुकअप किया था, आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आई डिड नो समबडी, आई डिड नो एट ऑल एनीबडी हु हैड सक्सेसफुली क्लियर्ड, लाइक आई एम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट हु नोज समबडी हु इज अ सिविल सर्वेंट। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर मी, सो आई डोंट वॉन्ट इट टू हैपन टू एनीबडी। सो वॉट हैपन्ड वॉज आई हैड टू लुकअप एवरीथिंग ऑन गूगल, बहुत रिसर्च की थी गूगल से, और तो वो एक ना इट्स अ टीडियस टास्क टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड यू ऑल्सो इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि तुम बहुत सारी मिस्टेक्स कर दो उस प्रोसेस में। एंड यू आस्क अबाउट इंस्पिरेशन, तो उसमें एक इंस्पिरेशन वाली चीज़ बता देता हूँ। सो व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड ना, बचपन में था कि आई वाज नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, मतलब आई यूज टू डू थिंग्स लाइक जो मन करता था वो कर देता था। तो 10th के एग्जाम के बाद एक कोचिंग थी जी, एक इंस्टीट्यूट था, उन्होंने एक एग्जाम कराई थी एंड आई स्टूड फर्स्ट इन दैट, और उन्होंने प्राइज मनी देने से मेरे को मना कर दिया। तो मुझे लगा यार इट्स गलत ना, गलत तो गलत है, अगर बोला तो देना चाहिए। तो मैं SDM ऑफिस चले गया मेरे दोस्त को लेके, इट वाज वेरी लाइक डेयरिंग थिंग टू डू, मैं 10th में था। तो उन्होंने SDM सर ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने मेरे साथ एक बंदा भेजा एंड ही क्लियर द मैटर। तो यार मुझे लगा कि यार इस पोजीशन में है कुछ ना, कुछ कर सकते हैं। तो एक वो जो सीट था ना, द सीट वॉज सोन इन दैट बाय दैट इवेंट, मतलब आपको अथॉरिटी देता है, ये आपको अथॉरिटी मिलती है, देश की बागडोर आपके हाथ में होती है, आप कई सारे डिसीजंस ले सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात कही आपने। आपसे मेरा एक और सवाल है, किस तरह से ये जो अब नए कैंडिडेट्स हैं जो अब एग्ज़ाम देंगे, इस बार जिन्होंने दिया है, जो आने वाले सालों में देंगे, उनके लिए आप ये जो प्रेशर जो होता है और इस बीच में ये जो जर्नी है, इसमें मेहनत के साथ साथ एक सब्र जो होता है ना, पेशेंस, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। कैसे आप पेशेंस रखते हैं, इसके लिए क्या आपने क्या टिप्स आप देना चाहेंगे आगे आने वाले कैंडिडेट्स? पहले तो एक चीज़ ये बताता हूँ, जैसे ना हम जब प्रिपरेशन में घुसते हैं तो बहुत एनर्जी के साथ घुसते हैं ना, एकदम बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज़्यादा जील होता है। धीरे धीरे क्या होता है, हो सकता है कि हम इनिशियल अटेम्प्ट्स में अनसक्सेसफुल हो जाए डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग राइट, क्योंकि लक का बहुत बड़ा फैक्टर है पूरी एग्जाम में ना। तो उससे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तुम मान लो दो लोग थे, तुम्हारे फ्रेंड्स थे और कलीग्स थे, सब यहाँ पे थे, 2-3 साल बाद क्या होगा ना, वो यहाँ पे हो गए, यू आर गोइंग देयर, तो तुम उनसे किसके साथ बात करोगे, तुमके साथ बैठोगे ना, तो भी एक वो कॉन्फिडेंस लेवल कम होता दिखता है, तो वो कम नहीं होना चाहिए मुझे ऐसा लगता है। तो मैं क्या करता था ना, एग्जाम होते ही आई यूज टू गो आउट विद माई फ्रेंड्स, मेरे को ट्रैवल करना पसंद है ना, तो मैं घूमने जाता था, कुछ कुछ हॉबीज है जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो करता था। उससे एक मेंटल ब्लॉक जो होता है ना कि यार हम कुछ कर नहीं रहे, कुछ ग्रो नहीं कर रहे, वो एक खत्म होता जाता है। कॉन्फिडेंस वो कम नहीं होना चाहिए, मतलब यही है, कभी भी कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, आप हमेशा मोटिवेटेड रहें और अपना पेशेंस लेवल भी हमेशा उसको मेंटेन एक बैलेंस करके रखें। बिल्कुल मंशु, अब एक सवाल मेरा ये है कि वो उस दिन के बारे में एक बार रिकॉल करते हैं
वो दिन जब ये रिजल्ट आया, आपने खुद से अपना रिजल्ट देखा? एक्चुअल में हो क्या रहा था कि सबको पता था रिजल्ट आने वाला है, तो मेरे दोस्त पूछ रहे थे कि यार कौन सी फोटो लगाऊं, बहुत एंग्जाइटी होती है ना, वो पूछ रहा कौन सी फोटो लगाऊंगा अगर हुआ नहीं तो मैंने ना उसके फोन भी आ रहे थे, मैंने फोन साइड में रख दिया, मैंने उठाया मैंने कहा मेरे को रिप्लाई नहीं करना और मेरे को फोन भी नहीं उठाना, तो एक दो दोस्तों के और फोन आए तो मैं ऐसे साइड में रख दिया साइलेंट करके, वाइब्रेशन पे था, तो बहुत फोन आते जा रहे थे आते जा रहे, मम्मी ने कहा देख ले क्या पता रिजल्ट आ गया वो और सारे घर वाले एक ही रूम में थे, मम्मी पापा मेरी बहन मैं और मेरा भाई, तो फिर वो रिजल्ट देखा और फिर फाइनली लिस्ट में नाम आ गया था, तो इट वॉज अ वेरी हार्ट वार्मिंग मोमेंट सबके लिए, क्योंकि सभी एफर्ट मारते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है जब आप किसी चीज़ के लिए इतने टाइम से ट्राई कर रहे थे एंड फाइनली यू मेक इट, मतलब मुझे ऐसा लगता है ना कि रिजल्ट इज नेवर ए टेस्टामेंट ऑफ आवर पोटेंशियल, इट इज़ जस्ट ए टेस्टिमनी ऑफ योर हार्ड वर्क दैट यू हैव डन, अगर यूपीएससी में नहीं होता तो किसी और फील्ड में भी कुछ ना कुछ तो कर ही लेते, कुछ ना कुछ कर, बट ये है कि यार हार्ड वर्क क्या है और वो मिल गया है, मतलब सही बात कही आपने, ये जो प्रिपरेशन है ये आपको सिर्फ अगर आप इसमें एक बाई चांस आपका नहीं भी होता है तो आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आप जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कर ही लेते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अब क्योंकि सिलेक्शन हो चुका है, अब सर्विसेज में आएंगे, काम करेंगे देश के लिए, कुछ सोच के रखा है कुछ चेंजेस जो लाने हैं भारत के अंदर? सर मुझे ऐसा लगता है कि ये ना बहुत कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन होता है, सो इट ऑल डिपेंड्स कि तुम किस कैपेसिटी में सर्व करते हो ना, किस चीज़ में सर्व करते हो और किस जगह पे सर्व कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हो ना उसको बस अच्छे से कर लो, जैसे हम प्रिपरेशन फेज़ में अपनी प्रिपरेशन बहुत सॉर्टेड तरीके से कर लो, जो चीज़ करनी चाहिए वो सही से कर लो, तो अगर हम जो काम कर रहे हैं ना उसको अच्छे से कर लिया, जैसे चीज़ों को स्टैंडर्डाइज कर दिया, कुछ अगर टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है तो टेक्नोलॉजी कर लिया, कुछ ऑटोमेशन हो सकता है तो ऑटोमेशन कर लिया, पीपल्स मैनेजमेंट में अगर किसी भी चीज़ को एक व्हाट्सएप ग्रुप से ही बहुत चीज़ें ईजी हो जाती है ना, तो अगर ये बेसिक चीज़ें भी करती जाए ना, अब वो किसी भी कैपेसिटी में कर लो, किसी भी पोजीशन पे कर लो, किसी भी जगह पे रह के कर लो, तो चीज़ों को बहुत इंप्रूव किया जा सकता है, बस मेरा यही एम है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो ऑल इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ओके मानशु, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपको बहुत बहुत बधाई। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।